जय हिंद, आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसा कि अभी हम लोग खान सर के जो मंथली मैगजीन्स आई हुई है, करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन्स, उसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। अभी हम लोग जनवरी 2024 के जो मंथली मैगजीन्स आई हुई है लेटेस्ट का, उसको हम लोग एक एक करके डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग जो ये छठी सेशन है, इससे पहले हम लोग पाँच सेशन कम्प्लीट कर चुके हैं। उस पर हम लोग जो अभी बिहार स्पेशल के रिगार्डिंग जो भी करंट अफेयर्स आए थे दिसंबर और जनवरी में, उसको हम लोग एक एक करके डिटेल से समझे थे, चर्चा किए थे आर्टिकल वाइज, यानी कि जो भी परियोजना चले किए गए थे, जो भी नए अपडेट्स आए हैं, कहाँ प्रदूषण वगैरह, सब कुछ हम लोग डिटेल से चर्चा किए थे, है ना। तो उसके बारे में हम लोग अभी तक बिहार स्पेशल को कंप्लीट कर चुके हैं। आपको मैं पिछले सेशन में भी बताया था कि आज के सेशन के बारे में, कि आज हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, जैसे एग्जाम में किस तरह से देखने को मिलेगा। तो हम लोग पहले जो क्या किए थे, पूरा डिटेल से चर्चा किए थे। आज के सेशन में हम लोग प्रैक्टिस करना है कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, तो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो आज जो है हम लोग बिहार स्पेशल का कंप्लीट हो जाएगा। आज के सेशन में बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा, जैसे जातिगत जनगणना, अभी रिसेंटली जो जातिगत जनगणना हुई बिहार में, उसके रिगार्डिंग जो नया अपडेट्स आए हुए हैं, उसके रिगार्डिंग से भी सारे सवाल देखने को मिलेंगे, बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। और हम लोग पिछले अभी तक जो आर्टिकल्स कवर किए हैं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स था, उसके भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। और आज ये बिहार स्पेशल का जो बिहार करंट अफेयर्स का ये अंतिम जनवरी 2024 का मंथली मैगजीन का, है ना। उसके बाद हम लोग जैसे फरवरी 2024 का आएगा, तो उसमें भी हम लोग बिहार स्पेशल को कंप्लीट करेंगे, मतलब आने वाले जो है सेशनों में इसके बारे में जानेंगे। तो अभी हम लोग आज बिहार स्पेशल को कंप्लीट करने वाले हैं। कल के सेशन से हम लोग पॉलिटी को स्टार्ट करने वाले हैं, पॉलिटी और गवर्नमेंट्स में जो भी अपडेट्स आए हुए हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, ये बिहार स्पेशल हो गया, पॉलिटी से हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और एनवायरमेंटल से हो गया, इन तमाम सब्जेक्ट में जो है ना, जितने भी आपका करंट अफेयर्स अपडेट आते हैं, उससे लगातार क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो हम लोग उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो चलिए, हम लोग आज के सेशन में जो भी है उसको हम लोग पहले देखते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चन को, ठीक है। टोटल क्वेश्चन और क्वेश्चन का नंबर जो है 35 है, टोटल 35 सवाल देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं इसमें, है ना। तो आज के सेशन का पहला सवाल क्या कहा जाता है, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की पदक तालिका में बिहार का कौन सा स्थान रहा है, यानी 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था दिसंबर नवंबर 2023 में, ठीक है। इस तालिका में जो है, इस पदक तालिका में बिहार का स्थान जो 30वां था, ये हमें ध्यान रखना है कि अभी जो है 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था 2023 में, ये अंतिम है, तो इसमें जो है बिहार का स्थान 30वां है। अगर पहला अगर पूछे जाए तो पहला जो है आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। तो महाराष्ट्र भी, ये भी ध्यान रखना है हमें। देखिए, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने स्टेट का, है ना, आप अपने स्टेट का हर स्थान याद करें, उसके साथ साथ जो पहले स्थान पे है उसको याद रखें, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे लगातार क्वेश्चन बनाए जाएंगे, ठीक है। तो बिहार का स्थान 30वां है और पहला स्थान पर महाराष्ट्र है, ओके। तो इस तरह से ये 37वें, और ये भी ध्यान रखना, ये 37वें खेल था, इसमें आपको कोट वाला में, कथन वाला में, ऐसे सवाल या 37 की जगह 35 दे सकता है, या तो यहाँ 30 की जगह 32 दे सकता है, ये सब हमें ध्यान रखना है। आपका ये क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, तो हम लोग को तैयारी करने की रणनीति भी बदलनी होगी, ओके। तो ये हमें ध्यान रखना है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 के पदक में रजत पदक, ध्यान रखना, रजत पदक जीतने वाली श्रेया रानी का संबंध किस खेल से है। देखिए, कहा जाता है 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में रजत पदक जीतने वाली श्रेया सरानी का संबंध किस खेल से है, तो ये टैक्वांडो, ठीक है, टैक्वांडो का खेल खेल है, इससे संबंधित है। इन्होंने जो श्रेया रानी जो है ना, ये रजत पदक हासिल की है। तो इसमें आपको ऐसे सवाल भी बनाए जा सकते हैं कि 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में जो है ना रजत पदक जीतने वाली बिहारी कौन थी, बिहार की कौन सी लड़की थी, तो ये आपका श्रेया रानी हो गया। और ये किस खेल से संबंधित है, टैक्वांडो से संबंधित है, है ना। तो ये आपका 37वें राष्ट्रीय खेल संस्करण से ही था, ये जो कि 32वां स्थान बिहार का था, उसी से रिगार्डिंग है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ये श्रेया रानी इसका नाम थे, ठीक है। तो चलो, ये हो गया हमारी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, देखिए ये आपका जीएसटी से संबंधित है, है ना, जीएसटी से संबंधित। देखिए क्या कहा जा रहा है कि बिहार राज्य वस्तु और सेवा कर जीएसटी, ठीक है, कर विधेयक 2023 में ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी को 18% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, ये आपका 28% कर दिया गया। यानी क्या हुआ है, पहले जो गेमिंग ऑनलाइन गेमिंग जो होता है ना, अभी जैसे आप पबजी हो, फ्री फायर हो वगैरह, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं ऑनलाइन गेमिंग है, तो उसके जो ना जीआई टैक्स जो है ना, जीएसटी टैक्स, यानी गवर्नमेंट को जो है ना क्या करेगा, 18% पहले दिया करता थे, अब जो ना उसको बढ़ाकर 28% कर दिया गया है ना, तो इसलिए ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर शिक्षा के क्षेत्र में बोले तो ये 18%, मतलब अभी जो गेमिंग में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो ये हमें ध्यान रखना है। बिहार में जो है अभी गेमिंग में सबसे ज़्यादा अभी हो गया है, 28% देखने को मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में भारत में 18% है, ये भी हमें ध्यान रखना है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 4 में, सातवें ISC FICCI स्वच्छता पुरस्कार समारोह में बिहार को कितने स्वच्छता पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, तो ये 3 प्राप्त हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है 38वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कितने पदक जीता है, टोटल 11, ठीक है। 38वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स जो जूनियर है ना, जैसे होता है सीनियर जूनियर, उसके रिगार्डिंग बोला जाता है, ये 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने टोटल 11 पदक जीते हैं, ध्यान रखना है ये टोटल 11 पदक जीते हैं। इसमें आपको कूटवाला में 11 की जगह 7 दे सकता है, 5 दे सकता है, इस तरह से मैं क्या करना है ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है 2022 में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाले कुल मौतों में बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो ये 7वां स्थान है। यानी सड़क दुर्घटना बोले तो मतलब एक्सीडेंट हो जाती है, एक्सीडेंट होते दरमियान जो है ना मौतों में बिहार का कौन सा स्थान है, तो ये 7वां स्थान है। हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल से एक आर्टिकल के माध्यम से डिटेल से चर्चा किए थे, जैसे आपका सड़क दुर्घटना हो गया, दहेज प्रथा से रिगार्डिंग हो गया, इन तमाम साइबर अटैक से हो गया, इन तमाम मुद्दों से जो हम लोग एक पूरा डिटेल से इसका आर्टिकल पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं, कवर किए हैं, तो उसमें हम लोग ये 7वां स्थान है बिहार का। अगर पहला स्थान बोली जाए तो ये गुजरात का रहेगा, ठीक है। गुजरात में ज्यादातर आपको एक्सीडेंट देखने को मिलता है, सड़क दुर्घटना देखने को मिलती है, तो ये पहला स्थान गुजरात हो जाएगा और बिहार का जो है ना 7वां स्थान है, ओके। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जाता है हाल ही में किस राजनीतिक दल द्वारा पटना में भीम संसद का आयोजन किया गया, ये जनता दल यूनाइटेड के द्वारा किया गया था भीम संसद का आयोजन, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, हम लोग कई बार इसको चर्चा कर चुके हैं। कहा जाता है बिहार के किस व्यक्ति को मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन से सम्मानित किया गया है, तो इसका नाम है ज्योति सिन्हा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग दो दिन इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, दो आर्टिकल दो सेशन में इसके बारे में हम लोग चर्चा किए हुए हैं, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको जो बिहार के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मधुबनी पेंटिंग के रिगार्डिंग, आपको मेंस में भी ये मधुबनी पेंटिंग्स है तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग मतलब पूछे ही जाते हैं, तो आप मेंस में भी इसको इस पॉइंट को ऐड कर सकते हो कि आपके रिसेंटली अपडेट वाला भी डाल सकते हो, तो इसके आपका जो ना एक बहुत अच्छी तरीके से आपका आंसर राइटिंग होगी, ठीक है। तो ये होगी आपका क्या होगा, मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्र पुरस्कार दिया गया है, ये राष्ट्र पुरस्कार ध्यान रखना, राष्ट्र पुरस्कार मतलब नेशनल लेवल के लिए बात कही जा रही है, सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन से संबंधित यह सम्मानित किया गया था, इसका नाम है ज्योति सिन्हा, ये राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। हम लोग द्रौपदी मुर्मू जी का हम लोग फोटो भी देखे थे इसके बारे में, ये व्हील चेयर में बैठी हुई है, ओके। तो और अगर आपको ये बोला जाए कि दिव्यांगजन मतलब दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है, ये हर साल जो है ना इसी दिन दिया जाता है, तो ये 3 दिसंबर को दिया जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है, 3 दिसंबर को जो है ना आपको ये दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन एक ऐसे व्यक्ति को जो दिव्यांग है और दिव्यांग के क्षेत्र में काफी ज्यादा कुछ किया हो, जैसे कि आपका समाज सेवा किया हो, ये मधुबनी पेंटिंग में किया हो, तो इसके क्षेत्र में उसको दिया जाता है, तो इस तरह से ज्योति सिन्हा को लास्ट ईयर दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है बिहार में आंवला नींबू कटहल और बेल की खेती के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी की घोषणा की गई है, 50% के लिए। अगर आप ये आंवला हो गया, नींबू हो गया, कटहल हो गया और बेल की अगर खेती करते हैं तो बिहार सरकार की तरफ से आपको जो 50% की सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद कहा जाता है बिहार जाति सर्वेक्षण 2022-23 की आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं, आपका जो मैंने क्या बोला था आपको रिसेंटली मतलब शुरुआत में ही बोला था कि इस आज के सेशन में जो है ना आपका जातिगत जनगणना के अनुसार भी कई सारे सवाल देखने को मिलेगा, तो उसी से संबंधित एक नए क्वेश्चंस देखने को मिल रही है। कहा जाता है ये जातिगत सर्वेक्षण जो है 2022-23 में आया था उसके अंतर्गत बिहार में कुल कितने ऐसे प्रतिशत लोग हैं जो गरीब हैं, तो गरीबी के परसेंट का 34.13%, यानी कि 34.13% लोग जो बिहार में अभी भी गरीब हैं, तो ये हमको आंकड़ा ध्यान रखना है, ये आंकड़ा हमें ध्यान रखना है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद कहा जाता है बिहार जातिगत सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 10,000 रुपये तक की मासिक आय वाले राज्य में कुल परिवारों का कितना प्रतिशत है, यानी 63.74% ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे इतने लोग हैं, इतने प्रतिशत लोग जो है ना ऐसे हैं जिसके मासिक आय 10,000 मासिक तक है, 10,000 पर मंथ तक इसका इनकम है, तो उसका संख्या जो है ना 63.74% है और गरीब कितना है 34.13%, ये हमें आंकड़ा का ध्यान रखना है। आपको ऐसे में भी पूछे जा सकते हैं गरीबी से संबंधित आपको पूछे जाएंगे, तो ये आपका लेटेस्ट आंकड़ा उस पर डालेंगे तो अच्छा होगा, है ना, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपको क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जाता है बिहार जाति सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सरकारी कर्मचारियों का राज्य की कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है, यानी कि गवर्नमेंट जो है कर्मचारी जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं बिहार में मात्र 1.57% लोग हैं,
जो सरकारी कर्मचारी का जो है इसकी जनसंख्या मात्र 1.57, ये ध्यान रखना है ना, तो 1.57% है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जाता है, अगले 5 वर्षों में बिहार सरकार गरीब परिवारों पर कितना खर्च करेगी। लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करने वाले हैं, गरीबी जो गरीब हैं उसके अंतर्गत उस पर ये उसके परिवार पर खर्चा करने वाले हैं लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद रहता है बिहार जाति सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य की साक्षरता दर कितनी है, यानी कि बिहार में अभी साक्षरता दर कितनी है, अभी लेटेस्ट अपडेट वाला है रिपोर्ट के अनुसार हमें ये 79.7% है, 79.7% है, ये आपका जो है ना बिहार का है। अगर आपको पूछे जाए ऐसे, अगर हम लोग बिहार के स्तर पर हम लोग देखें तो ये मतलब 79.7% है। अगर इसी में आपको पूछा जाए कि भारत में सबसे पहला स्थान किसका है जो साक्षरता दर बेहतर है, सबसे अच्छा किसका है, तो आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल सबसे बेहतर है साक्षरता दर के मामले में, इसमें जो ना 94% लगभग 94% इसका साक्षरता दर है। ठीक है, तो ये आपका लेटेस्ट अपडेट के अनुसार है, तो केरल हालांकि वो पहले से भी था, अभी भी वही है 94% के आधार पर, वो अभी पहले स्थान पे है, और बिहार का जो है ना 79.7% अभी है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है बिहार जाति सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सामान्य वर्ग में किस जाति के गरीब परिवारों की संख्या सबसे अधिक है। देखिए, ये आपका कहा जा रहा है कि आपके बिहार जाति सर्वेक्षण के अनुसार क्या कह रहा है कि आपका जो अभी बिहार में टोटल जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, सामान्य वर्ग में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनमें से जितने भी, जैसे आपका जनरल कैटेगरी में राजपूत आ गया, ब्राह्मण आ गया, ये सब जाति आएंगे ना, वर्ग आएंगे, तो उसमें से एक ऐसे वर्ग हैं जो मतलब उनमें से सबसे गरीब वर्ग के कौन से हैं, वो सबसे गरीब वर्ग जो है ना भूमिहार है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, सामान्य वर्ग में भूमिहार सबसे गरीब है बिहार में। ओके, उसके बाद कहा जाता है बिहार जाति सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार अनुसूचित जाति जो SC अंतर्गत आता है उसमें शामिल 22 जातियों में सबसे गरीब कौन है, तो ये मुसहर है, जो SC कैटेगरी में सबसे गरीब कौन से वर्ग के लोग हैं, मुसहर लोग के लोग हैं। तो आपको ये भी पूछे जा सकते हैं, 22 जातियां हैं तो SC के अंतर्गत यानी अनुसूचित जाति के अंतर्गत कुल कितनी जातियां आती हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है 22 जातियां आती हैं ना, 22 जातियां में से सबसे गरीब कौन है, मुसहर। ठीक है, मुसहर जो है वो काफी गरीब है। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट कहा जाता है बिहार में किस वर्ग जातियों की संख्या जो सबसे अधिक है। आपका बिहार में अगर बोले जाए तो बिहार का जो अभी सर्वेक्षण के अनुसार सबसे अधिक जाति कौन सी जाति के लोग हैं, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसको EBC बोलते हैं हम लोग, है ना, तो इसी जाति के लोग सबसे ज्यादा हैं बिहार में, लगभग 69% के आसपास हैं। ओके, तो ये भी हमें ध्यान रखना, सबसे ज्यादा किसका है, अभी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग हैं जो EBC कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है बिहार जाति सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी में शामिल जातियों में सबसे गरीब कौन है, ये खटवार है, जो बीसी के अंतर्गत आते हैं, पिछड़ा वर्ग में आते हैं, उसमें से सबसे गरीब कौन है, खटवार है। जनरल में आपका हो जाएगा जो भूमिहार है, देखिए यहाँ पे भूमिहार, देखिए फिर से रिपीट कर दो, जनरल में भूमिहार और SC के अंतर्गत मुसहर, BC के अंतर्गत खटवार। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है नेक्स्ट में देखिए EBC के अंतर्गत आप देखते हैं हम लोग बिहार जाति सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार अत्यंत पिछड़ा जो EBC में शामिल जातियों में से सबसे गरीब कौन सी है, ये नाई है, है ना, EBC के अंतर्गत सबसे गरीब कौन है, नाई, जो आपका बाल काटते हैं ना, तो वो नाई इसमें आपका सबसे गरीबी रेखा में है EBC के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है बिहार जाति सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत लोगों को कृषि संबंध क्षेत्र यानी कि कृषि के अलावा से रोजगार मिल रहा है, यानी कि ऐसे कितने परसेंट लोग हैं बिहार में जो कृषि पर आश्रित नहीं है, कृषि के अलावा भी वो रोजगार मिल रहा है उसको, तो वो आंकड़ा है 7.70%, ये भी आंकड़ा हमें ध्यान रखना है। उसके बाद बिहार में वर्तमान में बिहार में कितने प्रतिशत आरक्षण है, तो 75%, इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक आर्टिकल कवर किए हैं, तो उसमें आपका 75% का आरक्षण मांगा है, उसमें भी आपको काफी बदलाव देखने को मिला, जैसे SC के कैटेगरी में इतने परसेंट से इतने परसेंट बढ़ाकर कर दिया गया, EBC को, OBC को, जनरल को हालांकि 10% है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक आर्टिकल भी कवर किया, वो आपको जरूर देख लीजिएगा, है ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है बिहार में सरकारी नौकरियों में किस जाति के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है, बिहार में जो सरकारी नौकरी सबसे ज्यादा कौन सी कास्ट के लोग करते हैं, तो ये कायस्थ है। ठीक है, कायस्थ जो है ना सरकारी जॉब इसमें सबसे ज्यादा है कायस्थ का। ओके, उसके बाद आता है बिहार की जनगणना में तिपहिया यानी तिपहिया मतलब तीन पहिया वाले वाहन जो है, तिपहिया वाहनों के मालिक हिस्सेदारी कितने हैं, ये मात्र 0.11% है, मात्र 0.11% है, तो ये तिपहिया वाहनों के जो मालिक ये हिस्सेदारी कितनी है इसका, मात्र 0.11%।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहता है बिहार के लगभग कितने लोग विदेशों में काम करते हैं, बिहार के कितने ऐसे लोग हैं जो विदेशों में काम करते हैं। तो इसके आंकड़ा जो है 2.17 लाख है, यानी कि 2,17,000 के आसपास लोग जो है ना ऐसे भी हैं जो बिहार के हैं और वो विदेशों में जाके काम करते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं, मतलब बिहार देखिए आप सोचते होंगे कि आपके गाँव से भी कोई विदेश में जाके काम कर रहे हैं तो आखिर वो क्या करता होगा, बड़ा आदमी होगा, नहीं ऐसा भी नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं है, वहां पे जाके मजदूरी करते। आप ज्योग्राफी पढ़ोगे ना तो ज्योग्राफी के बारे में आपको ये पता चलेगा कि इस देश की भौगोलिक स्थिति कैसी है। आप कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने कई देखा है, कई सुना है मतलब मेरे पास, कि मेरे गांव से इतने लोग विदेशों में काम करते, विदेशों में जॉब करते हैं। अरे भाई वो किस देश में है और किस देश की उसकी भौगोलिक दशा तो पता करो। अब वहां जाके डिंगे मारेगा कि नहीं हम ये करते हैं, ऐसा भी नहीं है। मतलब वो विदेशों में जाके वो जॉब करते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे भी हैं जो मजदूरी करते हैं, तो ऐसी है। तो आप पहले पता कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप इतने लोग हैं तो अमीर होगा ये, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसकी भौगोलिक दशा पहले पता कीजिए। ऐसे भी हैं कई जगह ना, आप ऐसे भी देश हैं जहाँ पे जैसे मान के लो बिहार में ही, बिहार में उद्योग है ही नहीं भाई। अब वो जाके बोलेगा कि मैं इस देश में जाके जो है ना उद्योग कर रहा हूँ, वहाँ पे उद्योग की क्षमता है ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। तो वही है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इसकी आंकड़ा जो है ना ये 2,17,000 है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और बिहार में जो है ना किस जिला में जो है ना किस जिला के लोग जो है ना सबसे ज़्यादा विदेशों में काम करते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि बिहार के ऐसे कौन से जिले हैं जिसके लोग ज़्यादातर जो है ना विदेशों में जाके जॉब करते हैं, यानी कि काम करते हैं या मजदूरी करते हैं या जॉब करते हैं या किसी भी प्रकार के काम करते हैं वो विदेशों में, तो आप ये बताना। देखो ये जो ना आपका हिंस दे देना, यूपी के आसपास के जिला हैं, तो वो आप ये आंकड़ा याद रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जाता है कि राज्य के लगभग कितने प्रतिशत लोग बिहार से बाहर काम करते हैं। बिहार से बाहर देखिए, बिहार से बाहर जैसे होते हैं ना दिल्ली गए हुए, पंजाब गए हुए हैं, हरियाणा गए हुए हैं, तो वहाँ जाके मजदूरी करते हैं, ये लगभग 3.5% है। तो ऐसे बहुत सारे हैं क्योंकि बिहार में तो ऐसे रोजगार है ही नहीं, तो कितना कुछ करेगा, तो वो अपना घर चलाने के लिए पालने के लिए बाहर जाके वो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, जॉब करते हैं, सब कुछ ऐसे। इस प्रकार 3.5% लोग जो है ना बाहर में रहते हैं, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में बिहार में लगभग कितने प्रतिशत लोगों के पास कोई वाहन नहीं है। तो ये बहुत बड़ी आंकड़ा है यार, 95.5% जो ऐसे भी लोग हैं बिहार में जिसके पास वाहन नहीं है। एक बात सच है ना, तो ये भी ध्यान रखना है, 95.5% जो है लोग ऐसे भी हैं जिसके पास वाहन नहीं है, ये ध्यान रखना है भाई, है ना। मात्र 4.5% लोग के पास वाहन है, तो आप बताओगे आप किसके अंतर्गत आते हो, इस पे या इस पे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में कहा जाता है स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व युवा सम्मेलन 2023 में बिहार के किस व्यक्ति ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, इसका नाम है रोशनी परवीन। तो ये भी ध्यान रखना, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, स्विट्जरलैंड में विश्व युवा सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसमें से बिहार का जो है ना प्रतिनिधित्व किया था रोशनी परवीन, जो ये बिहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये स्विट्जरलैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है हाल ही में बिहार के कितने युवा वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय वैज्ञानिक युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये टोटल 30 हैं, इसके बारे में भी हम लोग आर्टिकल के माध्यम से कवर किए हुए हैं कि बिहार राष्ट्रीय बिहार वैज्ञानिक जो है ना बाल राष्ट्रीय वैज्ञानिक युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कि कौन कौन से जिले में कितने वैज्ञानिकों को पुरस्कार मिला गया, हर जिले के बारे में मैंने डिटेल से चर्चा किया था। तो टोटल अगर इसकी संख्या बोले तो 30 है, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 29 सयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी गौतम बुद्ध की प्रतिमा उद्घाटन किया गया है। देखिए गौतम बुद्ध से संबंधित जो बोध गया जो भी अभी हो रहा है ना, अभी जैसे कि अभी दलाई लामा के बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे कि अभी आयोजन किया गया था, दलाई लामा इसका अध्यक्ष किए थे, हम लोग चर्चा किए है ना, तो उसमें भी ये गौतम मतलब बोध गया में हुआ था, ये गौतम बुद्ध की प्रतिमा भी वही लग रहा है भाई, तो गौतम बुद्ध से संबंधित बोध गया में हुआ। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है 30 नंबर, हाल ही में 3 दिसंबर 2023 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो ये 139वां जो है ना इसका जन्मदिवस मनाएंगे, जयंती हम लोग मनाए थे कम 3 दिसंबर को, और 3 दिसंबर को ही हम लोग दिव्यांग दिवस भी मनाते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना। दिव्यांग दिवस से संबंधित एक नया आर्टिकल भी आए थे, मैंने इससे अभी आज भी सेशन में कंप्लीट चर्चा किया था, जो दिव्यांग था और उसको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था, जिसका नाम था साक्षी सिन्हा, ठीक है, ज्योति सिन्हा नाम था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है 3 दिसंबर को दो दो चीजें हैं, एक तो राष्ट्रपति जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जयंती भी हम लोग मनाते हैं, इसके साथ दिव्यांगजन दिवस भी मनाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 31 में, बिहार में दूसरा एम्स किस स्थान पर बनेगा दरभंगा जिले में। हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा किए थे, बिहार में दूसरा एम्स बनने वाले हैं जो दरभंगा जिले के शोभन गांव में बनने वाली है, तो ये दूसरा है, पहला कहाँ है, पहला पटना है, ठीक है,
पहला पटना है, दूसरा जो है ना आपका ये शोभन गांव जो दरभंगा में पड़ता है वहां पे बनने को है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में बिहार के ज्ञान निकेतन के छात्रों ने कौन सा पदक जीता है। ये कांस्य पदक जीते हुए हैं, ठीक है। तो ये सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता था, उसमें जो बिहार को कौन सा पदक मिला है, कांस्य पदक मिला है। और किनको मिला था, ये बिहार के ज्ञान निकेतन के छात्रों को मिला था, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है सीएनएलयू चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना और किसके बीच समझौता ज्ञापन फैशन और कानून के क्षेत्र में सहयोग और तालमेल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तो ये एनआईएफटी पटना, ठीक है, एनआईएफटी पटना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 34, इलेक्शन शब्द का अनुमान लगाकर नेशनल फॉरवर्ड ट्रॉफी 2023 में किसने जीती है। तो ये पटना की आध्या सिंह ने क्या जीता है, इलेक्शन शब्द का अनुमान लगाकर नेशनल क्रॉसवर्ड ट्रॉफी का जो अपने नाम हासिल किया, कौन, पटना की जो आध्या सिन्हा ने यह हासिल की है, ठीक है। उसके नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 35 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा जाता है, कुल 60 अंकों के साथ राज्य की अंतर जिला स्कूल बालिका एथलेटिक्स चैंपियनशिप किसने जीती है, यानी कि कुल टोटल इसका कुल अंक जो है 60 है और 60 में 60 अंक प्राप्त करके जो है ना ये अंतर जिला राज्य की अंतर जिला स्कूलों में एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीती है। तो ये पटना जीता है, ठीक है, पटना के जो है ना ये सबसे, जबकि इसके जो ना इसके बाद पश्चिमी चंपारण था जिसके बाद 35 अंक मतलब हासिल करके ये दूसरा स्थान था। तो आपको पहला स्थान पर पटना है जिन्होंने क्या किया था, राज्य की अंतर जिला स्कूल बालिका के अंतर्गत एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वो पहला स्थान पूरा में पूरा अंक हासिल किया। उसके बाद दूसरा में जो है ना आपका पश्चिमी चंपारण है जिसका अंक जो है ना 35 है। तो ये लगभग देखो 25 का डिफरेंट है ना, तो ये दूसरा स्थान है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हम लोग जैसे स्टार्ट में बोला था आपको कि 35 सवाल को हम लोग देखने वाले हैं और वन लाइनर भी होगा, इंपॉर्टेंट भी होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन देख के पता चल गया होगा कि सही में क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और अच्छी खासी क्वेश्चन भी देखने को मिला, बहुत कुछ नया कुछ सीखने को मिला। और आपको ये सीरीज के बारे में भी समझ में आया होगा कि ये सीरीज को रेगुलर फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो आप इस तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और कोशिश कीजिएगा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके दोस्तों को भी और आपको भी काफ़ी मदद मिले, ठीक है। तो ये आपका सीरीज सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और धैर्य बना के हम लोग कल के सेशन से नए चैप्टर नए सब्जेक्ट के और आएंगे, है ना। तो बस आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं बाकी सारे के सारी चीज कंप्लीट करा दूंगा, ओके। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे, उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक नम्र निवेदन है सभी से, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और क्लास के रिव्यू देना है जरूर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।